नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। भाजपा चाहती है कि 24 में से 13 सीट उनके खाते में जाए, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि इस बार 12-12 का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पटना पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि देर रात केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजधानी पटना पहुंचे हैं और आज उनकी मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से होने जा रही है, क्योंकि 24 सीट पर एमएलसी का चुनाव होना है। जल्द ही चुनाव के तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी खुद में सुलह करके सीट के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय जो है वो लेने जा रहा है, और इसी को लेकर आज केंद्रीय मंत्री की मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से होने जा रही है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है, किस तरह से सीट के दावेदारी को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो बातचीत है वो आज की जाएगी, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि विधान परिषद की 24 सीटों की गुत्थी सुलझाने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देर रात प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और भाजपा के अन्य मंत्रियों के साथ मंथन किया। उन्होंने भाजपा के दावों और जेडीयू की मांग के परिपेक्ष में भी उनसे सलाह मशवरा किया। 24 सीटों में जेडीयू ने आधी सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है, ऐसे में उसे इसमें से 12 सीटें चाहिए, जबकि भाजपा की 13 सीटिंग सीटें हैं। ऐसे में जेडीयू के लिए 11 सीटें ही बचती है। भूपेंद्र यादव शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आज के इस बैठक में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल हो सकते हैं। इस दौरान विधान परिषद की सीटों पर सहमति का फैसला हो सकता है, आधी आधी सीटों पर सहमति हो सकती है। दरअसल भाजपा 13-11 के फॉर्मूले पर जबकि जेडीयू 12-12 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है। जेडीयू की चली तो अब भाजपा को अपनी एक सीटिंग सीट छोड़नी पड़ेगी, पर भाजपा का प्रदेश नेतृत्व इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। पिछले दिनों कोर कमेटी की बैठक में भाजपा ने हर हाल में 13 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया था। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। ऐसे में आज भूपेंद्र यादव की मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से होगी और इस पूरे मामले को लेकर ये पहली बैठक की जाएगी। अब देखने वाली बात होती है कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और आखिर जेडीयू को किस तरह से बीजेपी मनाती है, क्योंकि इस वक्त जेडीयू अपने अज्जत पर अड़ी हुई है और जेडीयू का साफ तौर से कहना है कि 12-12 का फॉर्मूला ही विधान परिषद के चुनाव में लागू होना चाहिए। अब इंतजार है इस मीटिंग के शुरू होने का, देखते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें इस मीटिंग से निकल कर सामने आती है और जिस उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अब पटना आए हैं, क्या उनका ये उद्देश्य पूरा होता है या नहीं, और क्या सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के बातों में आते हैं या नहीं, या फिर अपने जिद पर अड़े रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।